मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं लाइट चेंजिंग वाली मशीन की वीडियो। ये लाइट चेंजिंग मशीन है, हम आपको बताएंगे किस तरह से ये काम करती है और जो है किस तरह से इसमें वायरिंग की जाती है। आप देख सकते हैं विंडो पे लाइट्स लगी हुई है और ये ऑपरेट हो रही है उस मशीन के थ्रू, और उस मशीन में जो है जिस तरह से लाइट जलती है छोटी छोटी, उसी तरीके से विंडो पे जो लाइट लगी है वो काम करती है। ये स्पीड और स्लो फास्ट करने के लिए है लाइट्स की। आप देख सकते हैं छोटी छोटी लाइट ये रनिंग कर रही है और सेम इसी तरीके से आपकी विंडो में भी लाइट रनिंग करेगी। ये टाइम सेटअप के लिए स्विच दिया गया है कि आप जो है कितनी स्लो और फास्ट उसको किस मोमेंट में टाइम सेट करना चाहते हैं, कि यानी कि जो है दो लाइट्स पहले जले फिर एक जले, वो सब सेटअप है उसके अंदर और जो है स्पीड उसके अंदर दी गई है। आप देख सकते हैं इसके टर्मिनल में न्यूट्रल दिया गया है और जो है 1 से लेकर 6 तक इसमें नंबर दिए गए हैं। तो इस तोरण लाइट्स के अंदर जो है एक न्यूट्रल दिया गया है कॉमन, और इस न्यूट्रल को हम पहले न्यूट्रल में लगा लेंगे। ज़्यादातर न्यूट्रल ब्लैक और ब्लू में होता है तोरण लाइट्स में, तो ये ब्लैक है तो हम ब्लैक को कॉमन के साथ जोड़ लेंगे। और जो है ये आउटपुट के फेस टर्मिनल है, तो इसके अंदर जो है हम ये सीरीज वाइज जो है पूरे 6 के 6 वायर हम लगाएंगे सीरीज वाइज। इस वायरों में फेरुल डाला हुआ है, यानी कि जब भी इस तरह की कुछ तोरण्स रेडी होती है तो उसके अंदर फेरुल होता है, उसके अंदर सीरीज नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक इसके अंदर नंबर है, तो हम नंबर वाइज लगाएंगे। अगर हमारा नंबर वाइज इधर उधर हो जाता है तो बल्ब तो जलेंगे लेकिन उस तरीके से मशीन के थ्रू ऑपरेटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस मशीन के अंदर जो सिस्टम है वो रेगुलेटर सिस्टम है कि सप्लाई कहाँ कितना पहुँचना है इसके अंदर सिस्टम है, तो उसी तरीके से वो बल्ब हमारे जो है एक रेलगाड़ी की तरह चलते हुए दिखते हैं और रुकते चलते नज़र आते हैं हमको विंडो में। तो इस मशीन के हिसाब से वायरिंग इसके अंदर तोरण बनाई जाती है, और जो तोरण के अंदर इस तरह से वायर रखे जाते हैं सीरीज वाइज, ताकि जो है मशीन के साथ वो बराबर तालमेल के साथ काम कर सके और विंडो में जो है खूबसूरती बढ़ सके। तो हमने जो है पूरे टर्मिनल के साथ लगाने हैं नंबर वाइज 1 से लेके 6 तक के, 1 2 3 4 5 6, हम पूरे 6 टर्मिनल में जो है ये आउटपुट के वायर लगा लेंगे तोरण के। और आप मशीन को दोनों हिस्से में फिट कर सकते हैं, यानी इस तरफ भी और उस तरफ भी, यानी तोरण के अंदर जो है दोनों तरफ वायर निकले होते हैं सेम इसी तरीके से, न्यूट्रल और ये आउटपुट के फेस। तो आप जो है मशीन को तोरण लगाने के बाद किसी भी साइड आप जो है उसे फिट कर सकते हैं। हमारा स्विच बोर्ड राइट साइड में है तो हमने जो है इसको राइट साइड में तोरण के साथ मशीन को अटैच कर लिया है, और इसके अंदर एक फ्यूज़ भी दिया गया है कि अगर कुछ होता है तो फ्यूज़ हमारा उड़ जाएगा और मशीन को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और इसमें ऑन ऑफ का भी स्विच है, और इसका जो है मशीन का हम प्लग भी चेंज कर लेंगे, जो मेन प्लग है इसे हम चेंज करके लगा लेंगे सॉकेट के अंदर। और आप देख सकते हैं ये तोरण के अंदर के दूसरे छेद हो रहे हैं, यानी कि दूसरा छेड़ा है ये, तो हम ये सब छेड़ों को एक साथ मिला लेंगे, और मिलाने के बाद ये जो न्यूट्रल है इसे भी हम मिला लेंगे, यानी कि सीरीज बनते हुए पूरा जो है यू बनते हुए हमारा करंट सप्लाई मशीन के थ्रू जाएगा, यानी वहाँ से बल्बों में आएगा फिर इस न्यूट्रल के थ्रू बल्बों से होता हुआ वो चला जाएगा मशीन के अंदर। तो हमने जो है सबको प्रॉपर लेकर टेपिंग कर लिया इसको, आप भी इस तरीके से आसानी से टेपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो है जो इलेक्ट्रिशियन है उसी को करना ठीक है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं है तो इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट होने का चांस हो सकता है, क्योंकि आपको प्रॉपर जो है वायर पहचानने होंगे कि कौन सा न्यूट्रल है और कौन से फेस है, आपको कहाँ जॉइंट मारना है। आप देख सकते हैं विंडो में जो है पूरा जो है ये सिर लगा हुआ है, और दूसरे छोर का हमने इस मशीन में लगाया है, एक छोर पे हमने टेपिंग कर लिया और दूसरे साइड में हमने जो है इस मशीन के अंदर वायर को अटैच कर लिया जो आपको हम दिखाए थे टर्मिनल में। अब हम मशीन को ऑपरेट करेंगे, और जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर छोटी लाइटें सीरियल वाइज जल रही है, यानी कि बंद बुझ जलना बुझना इसका चालू है। तो सेम इसी तरीके से इस विंडो की जो बेल्ट है उसके अंदर जो लाइट्स है वो उसी तरीके से काम करेगी। आप देखेंगे विंडो पे जो है इस तरीके से काम करती है, कई जगह पे आपने देखा होगा कि ये एकदम रेलगाड़ी की तरह लाइट से चलती रहती है, तो इसी मशीन के थ्रू वो लाइट चलती है, ये भागती हुई लाइट आपको दिख रही है, तो सेम इसी तरीके से विंडो में भी लाइट्स भागेगी। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से आसानी से जो है खिड़की की शान बढ़ा सकते हो खिड़की में, और या बिल्डिंग्स एरिया में कहीं पर भी आप इसे लाइटिंग को इस मशीन के थ्रू सीरीज वाइज में जला सकते हो। ये हमारी लाइटें चालू हो गई ऑपरेटिंग करने के लिए,
तो जिस तरह मशीन में बल्ब जलेंगे सेम उसी तरीके से इसमें भी जलेंगे। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।